Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe meri swamini, main radhe ko daas, janam janam mohe di jiyo, shri vrinda राधा तुम बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आदि Radha Madhava Kunja Bihari
Hare Krishna, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Oh!
भागवत कथा के षष्ठ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित
श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में, रुक्मिणी द्वारकाधीश के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर उन्हीं के विवाह लीला कथा श्रवण करने का सुंदर अवसर मॉरिशस वासियों को प्रारंभ प्राप्त हो रहा है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कोई मेरे बारे में तत्व से जानता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वतः, यदि भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म को कोई जान लेता है तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इदं देह त्यक्त्वा पुनर्जन्म न इति। श्रीमद् भागवत के माध्यम से कृष्ण के जन्म कर्म के तत्व को यदि मनुष्य जान ले तो वह मनुष्य मृत्यु के बाद पुनर्जन्म न इति, फिर से उस मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, आपको तत्व से जानने वाला पुनः इस संसार में नहीं आता तो फिर वो कहां जाता है? कृष्ण कहते हैं, माम इति, हे अर्जुन, मुझे कृष्ण को यदि कोई तत्व से जान ले तो वह मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। अतः मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य भगवान को, कृष्ण को तत्व से समझना है। और कली पावन अवतार परम करुणा वरुणालय श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान को यदि समझना है तो भागवत पढ़ना होगा। बिना भागवत के हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। भागवत के माध्यम से ही भगवान समझ में आते हैं। महाप्रभु कहते हैं, भागवत भी दो है, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, एक भागवत जो सर्व जगत विदित ग्रंथ के रूप में, शास्त्र के रूप में, जिसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक जो ग्रंथ के रूप में है वो एक भागवत, और आर भागवत दूसरा भागवत। महाप्रभु कहते हैं, भक्त भक्ति रस पात्र, भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति और भाव के रस से लबालब भरा हुआ भक्त भी भागवत है। जिनके हृदय में कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रेम नाच रहा हो, जिनका हृदय कृष्ण प्रेम से लबालब भरा हुआ हो, वह भक्त भी भागवत है। और ऐसा भक्त जहां जहां जाता है उस स्थान को पवित्र कर देता है, जिनको मिलता है, जिनको अपना दर्शन देता है, उन दर्शन करने वाले सब लोगों को वो पवित्र बना देता है। और इसीलिए
भारत वर्ष के सभी तीर्थाटन करने के बाद महात्मा विदुर हस्तिनापुर में पहुंचे, तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भवत विदा भागवता तीर्थ भूताम स्वयं विभो तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदा कृता। हे महात्मा विदुर जी, आप जैसे महाभागवत, आप जैसे संत शुद्ध भक्त जिस स्थान में अपना कदम रखते हैं उस स्थान को तीर्थ बना देते हैं, और यदि वे तीर्थ में चले जाए तो तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि वह तीर्थ को भी पवित्र बना देते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे महाभागवत शुद्ध भक्त अपने हृदय में स्वांतस्थेन गदाभृता, क्योंकि वे अपने हृदय में ही भगवान को लेकर चलते हैं। शुद्ध भक्त का शरीर ही मंदिर है, शुद्ध भक्त का जीवन ही मंदिर, क्योंकि उनके हृदय में थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, भगवान प्रकट रूप से विराजते हैं। विस्तार तो नहीं परंतु संक्षिप्त में आपको कहूं, पोरबंदर के सुदामा दरिद्र ब्राह्मण थे। जीवन में इतनी दरिद्रता आई, सुदामा के जीवन में रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं। कई दिनों से उनके बच्चे मां से कहते, मां भोजन कब मिलेगा? एक दिन, दो दिन, दस दिन बीत गए। सुदामा की पत्नी सुशीला बच्चों का दुख देखा नहीं गया, अपने पति से कहने लगी, पतिदेव मुझे क्षमा कीजिए परंतु बच्चों का दुख नहीं देखा जा रहा है। मैं आपको यह नहीं कहना चाहती हूं कि आप कुछ काम करो, मैं आपको यह भी नहीं कहना चाहती हूं कि आप कहीं से भिक्षा मांग कर लाओ, क्योंकि मैं जानती हूं आप मर जाओगे परंतु किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे। अयाचक वृत्ति आपकी है, नहीं मांगना ये आपका व्रत है, मैं जानती हूं। एक और आपका व्रत है और दूसरी और बच्चों का दुख। पतिदेव आप कहा करते थे ना, कृष्ण आपके मित्र हैं, आप कृष्ण से एक बार मिलकर आइए। सुदामा ने कहा, प्रिय प्रिय कृष्ण मेरा मित्र है और मैं मेरे मित्र के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगा, ये दरिद्रता दिखाने जाऊंगा? मुझे देखकर मेरा मित्र दुखी हो जाएगा। सुशीला बार बार सुदामा को मना रही है, बोले आप कृष्ण से कुछ मांगना मत, केवल कृष्ण का दर्शन करके आओ, अनंत अनंत लक्ष्मी के नाथ आपके ऊपर दृष्टि भी कर देंगे तो हमारे जीवन का दुख चला जाएगा। सुदामा अपने मन में भगवान की करुणा का एहसास कर रहे हैं, ईश्वर कितना दयालु है, ईश्वर कितना कृपालु है, मुझे इतनी सुंदर पत्नी प्रदान की है। अयम ही परमो लाभो कृष्णोत दर्शन लालसा, आज मेरी पत्नी मुझे जबरदस्ती कृष्ण के पास भेज रही है। कितनी कृपा है कृष्ण की मुझ पर, नहीं तो कलयुग की पत्नी। रविवार का दिन, छुट्टी का दिन है, आदमी का मूड हुआ कि रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में जाऊंगा, और जैसे ही घर से निकलता है पत्नी पूछती है, कहां जा रहे हो? बोले मंदिर जा रहा हूं। मंदिर गए तो टांगे तोड़ दूंगी। आज की पत्नी
सुदामा ने अपने जीवन में कृष्ण की करुणा, कृष्ण की कृपा का एहसास किया। सुदामा ने कहा, प्रिय कृष्ण मुझसे छोटा है, और अपने से छोटे के पास जब जाते हैं तो कुछ लेकर जाना चाहिए। सुशीला पड़ोस में गई, कुछ चावल मांग कर आई। पड़ोस वाली ने भी बहुत डांटा कि तुम मेरे घर से कितनी बार ले जा चुकी हो। सुशीला ने कहा, मैं लौटा दूंगी। बोले, जितनी बार लेकर जाती हो उतनी बार कहती हो लौटा दूंगी, आज तक तो नहीं लौटाया। सुशीला दोनों हाथ जोड़कर कहती है, बस अब अंतिम बार मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरे पति अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण के पास जा रहे हैं। थोड़ा सा चावल सुशीला लाई, कपड़े में बांधा। सुदामा लकड़ी के सहारे चलते थे, वह कपड़ा लकड़ी के साथ बांधा, निकल पड़े सुदामा। वैसे भागवत में तो यह कथा विस्तार से है, लेकिन मैं एक छोटा सा टुकड़ा कहना चाहता हूं, कथा का एक छोटा सा भाग। सुदामा चलते 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 कई दिनों के बाद द्वारिका पहुंचे हैं। द्वारिका के अनंत ऐश्वर्य को देखकर सुदामा तो अवाक रह गए। बोले, ये मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। इंद्र का ऐश्वर्य भी द्वारिका के सामने फीका पड़ रहा है। और चलते चलते उस द्वारिका के द्वार तक पहुंच गए। जैसे सुदामा द्वार से अंदर प्रवेश करने गए, द्वारपालों ने रोक दिया। बोले, कौन हो तुम, कहां जाना है, किससे मिलना है? सुदामा ने कहा, कृष्ण से मिलना है, कृष्ण मेरा मित्र है। इतना सुनते ही सारे द्वारपाल जोर जोर से हंसने लगे। बोले, ये भिखारी, इसकी ये औकात कि ये कृष्ण का मित्र कहे? द्वारपालों ने कहा कि स्वर्ग का राजा देवराज इंद्र भी अपने आप को कृष्ण का मित्र मानने के लिए लज्जा महसूस करता है, और तुम अपने आप को कृष्ण का मित्र कह रहे हो। सुदामा ने बहुत मनाया, द्वारपाल नहीं माने, और एक द्वारपाल ने न तो सुदामा को धक्का दे दिया। बोले, तुम जैसे भिखारी यहां पर हजारों आते हैं, जाओ, निकल जाओ यहां से। सुदामा गिर गए, दुर्बल देह, लकड़ी के सहारे खड़े थे, गिर गए। परंतु गिरते गिरते सुदामा ने कहा, उस गिरे हुए सुदामा ने कहा, कृष्ण यदि नहीं मिलेंगे तो मेरा प्राण छूट जाएगा, और यदि मेरा प्राण छूट गया और मेरी मृत्यु हो गई, और जब कृष्ण यहां से बाहर निकले, उनकी दृष्टि मुझ पर पड़े, तो उनको इतना कहना कि तुम्हें मिलने के लिए सुदामा आया था, मेरा नाम सुनकर मुझे विश्वास है कृष्ण अपने आंखों से दो आंसू भी बहाएंगे। समुद्र में अनेकों मछली होती हैं, ऐसे अनेकों द्वारपाल वहां पर खड़े थे। एक द्वारपाल को दया आ गई। बोले, हो न हो, भूतकाल में यदि कृष्ण ने इनको अपना मित्र बनाया हो, कृष्ण को कहने में क्या हर्ज है। एक द्वारपाल अंतपुर में कृष्ण के पास पहुंचा है। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण सोने के सिंहासन पर बैठे हैं। 16108 रानियां कृष्ण की सेवा कर रही हैं। रुक्मिणी पानी परोस रही है, सत्यभामा चामर डुला रही है,
जांबती, कालिनी, सारी पत्नियां सोने के सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण की सेवा में लगी। और वह द्वारपाल कृष्ण के पास आकर कहते हैं, प्रभु प्रभु, आपको मिलने के लिए द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है। नारायण कवि ने बहुत सुंदर यह पद लिखा। उस द्वारपाल ने कहा, शीर्ष पगान जगातन पे, प्रभु कहां से आहे बसे के ही गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपानय की नहीं सामा। शीर्ष पगान जगातन पे, प्रभु एक ब्राह्मण दुर्बल देह है, लकड़ी के सहारे खड़ा है, एक धोती और दुपट्टी पहनी है, फटी हुई धोती जिसमें अनेकों छिद्र है, और उपाय उपानय की नहीं सामा, और अपने पांव पर खड़े रहने में समर्थ नहीं, लकड़ी के सहारे खड़ा है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहियो चकिसो बसुदा अभिरामा। और वह द्वार पर खड़ा है और एक रट लगाकर वहां पर खड़ा है, मुझे कृष्ण से मिलना है, मुझे कृष्ण को देखना है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहियो चकिसो बसुदा अभिरामा, आपको देखना चाहता है प्रभु। कृष्ण ने कहा, लेकिन आपने उनका नाम पूछा, नाम क्या है उसका? तब उस द्वारपाल ने कहा, पूछत दीन दयाल को दाम। प्रभु जब मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बस द्वारपाल के मुख से सुदामा शब्द निकला, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण उस सोने के सिंहासन से कूद गए और कूदकर दौड़ने लगे। भगवान का दुपट्टा गिर गया, पीतांबर छूट गया। रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, जामती कहने लगी, प्रभु कहां, कौन आया है? लेकिन आज अपनी पत्नियों को जवाब देने का समय प्रभु के पास नहीं है। कृष्ण तेज गति से दौड़ने लगे, मेरा मित्र सुदामा। समस्त द्वारिका वासी आज मन में सोचने लगे कि अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण द्वारिका के मार्ग में आज तक तेज गति से चले नहीं हैं और आज इतने तेज दौड़ रहे हैं, आखिर कौन आया है, आखिर वो क्या रहा है? कृष्ण दौड़ कर जा रहे हैं, मेरा मित्र सुदामा, और दौड़ कर द्वार तक पहुंचे और दूर से सुदामा को देखकर, सुदामा को पुकार कर कृष्ण सुदामा से गले मिलते हैं। परंतु सुदामा की से दुर्बल दशा को देखकर, दरिद्र दशा को देखकर कृष्ण के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। सुदामा के से गले मिलते हुए कृष्ण कहते हैं, मित्र मित्र, तुम्हारी ये हालत हो गई? अरे एक बार तो मुझे याद करना था, एक बार तो मुझे याद करना था। सुदामा कहते हैं, कृष्ण कृष्ण, मैंने आपको याद नहीं किया तो क्या आपको नहीं पता था मेरी स्थिति क्या है? आज कृष्ण के हृदय में बड़ा प्रेम है। सुदामा को आलिंगन किए और कृष्ण सुदामा को अपने गोद में लेकर अंतःपुर में जाते हैं। आज पूरी द्वारिका अपने मन में सोच रही है, अंतःपुर में लेकर गए, सोने के सिंहासन पर बिठाया, पत्नियों को कहा, जाओ मैं मेरे मित्र का अपने हाथों से चरण धोऊंगा, चरण धोने के लिए पानी लेकर आओ, पात्र लेकर आओ। सारी पत्नियां पानी पात्र लेने गई और यहां भगवान कृष्ण सुदामा के चरणों में बैठे।
कृष्ण की दृष्टि सुदामा के चरणों में गई, कृष्ण की दृष्टि सुदामा के चरणों में गई। कृष्ण के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। नारायण कवि लिखते हैं, ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए न इते किते दिन खोए। सुदामा के चरणों में अनेकों कंकर पत्थर कांटे लगे हुए हैं, खून निकल रहा है। इस दीन दशा को देखकर कृष्ण कहते हैं, सुदामा मित्र तुमने आने में बहुत देर कर दी, तुमने यहां आने में देर कर दी। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक काल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए न इते किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की इस दीन दशा को देखकर नारायण कवि लिखते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दशा को देखकर आज करुणा का सागर, जिसे हम हे कृष्ण करुणा सिंधु कहते हैं, आज करुणा का सागर रो पड़ा। कृष्ण की आंखों से आंसू आ गए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। सुदामा के चरणों को धोने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ी। 16,108 पत्नियां अपने हाथों में पानी और पात्र लेकर खड़ी रह गई। कृष्ण ने तो अपनी आंखों के आंसू से ही सुदामा के चरणों को धो दिया। इतने आंसू निकले आज कृष्ण के आंखों से, सुदामा के चरणों को धो दिया। सुदामा को स्नान कराए और आज तो कृष्ण सुदामा के साथ अपने कक्ष में अकेले अपनी पुरानी याद ताजा कर रहे हैं। दोनों मित्र एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं। कृष्ण सुदामा से कहते हैं, सुदामा तुमने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं, विवाह कर लिया, शादी कर ली, मुझे इनविटेशन कार्ड भी नहीं भेजा, तुम मुझे भूल गए, अपने मित्र को भूल गए। सुदामा ने कहा, कृष्ण मैं तो एक बार भूला, आपने तो 16,108 शादी की, मैं तो जीव हूं पर वो भी एक बार भूला, आप तो 16,108 बार भूले। सुदामा जब से आए तब से कुछ छिपा रहे थे। कृष्ण ने कहा, मित्र जब तुम मेरे पास आए तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा ने कहा, हमारे पास है ही क्या, कुछ नहीं भेजा। बोले, कुछ तो भेजा ही होगा। वैसे सुदामा लाए थे लेकिन छिपा रहे थे, ये सोचकर, ऐसे अनंत ऐश्वर्य को देखकर सुदामा ने सोचा कि यदि मैं ये चावल दूंगा तो इनकी पत्नियां क्या समझेगी कि लाए तो क्या चावल, एक मुट्ठी चावल लेकर आए, जानबूझकर दे नहीं रहे थे। सुदामा, कृष्ण ने कहा, सुदामा याद है वो दिन हम गुरुकुल में पढ़ रहे थे? बोले, याद है। बोले, गुरुजी ने हम दोनों को दंड दिया था, वन में भेजा था, याद है? बोले, याद है। गुरु माँ ने हम दोनों को चने दिए थे और मैंने मेरे चने तुम्हें रखने के लिए दिए थे, याद है? बिल्कुल याद है। हम दोनों वन में गए और मैं वृक्ष पर चढ़ा और जब वृक्ष से नीचे उतरा तो मैंने कहा कि मेरे चने लाओ, तो तुमने कहा कि मैं तुम्हारे चने खा गया। सुदामा, अब तो वह चना बाहर निकालो। ये कहकर सुदामा की कमर में जो छिपा कर रखी थी वो पोटली उसे निकाल कर
कृष्ण उस चावल को खाने लगे, लेकिन प्रत्येक ग्रास पर कृष्ण की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। आज कृष्ण बहुत रो रहे हैं। एक निवाला खाया, दूसरा और तीसरा खाने गए, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। साक्षात लक्ष्मी ने भगवान का हाथ पकड़ा, प्रभु प्रभु आप इसे खाकर इतना रो रहे हो, आखिर है क्या इसमें? कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी रुक्मिणी तुम नहीं समझोगी, आज सुदामा के लाए हुए इस भोजन को खाकर मुझे मेरी मां यशोदा की याद आई है, आज मुझे नंद बाबा की याद आई, आज मुझे मेरे गोकुल की याद आई, क्योंकि इसमें प्रेम छिपा हुआ है। रुक्मिणी जी ने स्वयं वह चावल खाए, और ऐसा वर्णन है संक्षिप्त में, इतना ही समझिए कि वहां द्वारिका में तो सुदामा का ऐश्वर्य बढ़ गया, सुदामा की सारी दरिद्रता चली गई। सुदामा ने कहा, कृष्ण अब मुझे वापस लौटना चाहिए। कृष्ण सुदामा को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वापस लौटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुदामा ने कहा, कृष्ण यदि एक कदम भी आगे चले तो मेरी शपथ। कृष्ण रुक गए, सुदामा जा रहे हैं, एक दृष्टि से सुदामा को देख रहे हैं, दृष्टि हट नहीं रही है। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु मैं जानती हूं कि आपने सुदामा को बहुत सुंदर ऐश्वर्य दिया, द्वारिका जैसा ऐश्वर्य प्रदान किया, लेकिन एक बार तो कह देना था कि मित्र तुम चिंता मत करो, वहां द्वारिका में सब कुछ ठीक हो गया है, एक बार तो कह देना था तो उसको जाने में कोई कष्ट न होता। कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी तुम नहीं समझोगी, रुक्मिणी जब मांगने वाला मांग नहीं सकता है तो देने वाला कैसे कह सकता है कि मैं तुम्हें दे रहा हूं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु सुदामा जब आए तो चलकर आए, लेकिन जाते समय तो आपको अपना रथ भेजना था, सुदामा को अपने रथ पर बिठाकर भेजते। कृष्ण ने कहा, उद्धव उद्धव यदि मैं चाहता तो मेरे सोने के रथ पर बिठाकर सुदामा को द्वारिका से पोरबंदर भेज सकता था, लेकिन उद्धव मैंने जानबूझकर सुदामा के लिए रथ नहीं भेजा। उद्धव तुम जानते नहीं ये ब्राह्मण कितना पवित्र है, इस ब्राह्मण के जीवन में कितनी दरिद्रता है, कितना दुख है, लेकिन आज तक मेरे सामने वह कुछ बोला नहीं और एहसास भी नहीं होने दिया। उद्धव तुम इस ब्राह्मण की पवित्रता को नहीं जानते, उद्धव ये ब्राह्मण इतना पवित्र है कि ये जहां जहां अपना कदम रखेगा उस भूमि को पवित्र कर देगा। उद्धव आज मैं मेरी द्वारिका को पवित्र करना चाहता हूं, इसलिए सुदामा को चलाकर भेज रहा हूं, क्योंकि सुदामा जहां जहां मेरी द्वारिका में अपना चरण रखेंगे मेरी द्वारिका को पवित्र कर देंगे। इसी टुकड़े को याद कराने के लिए मैंने पूरी कथा कह दी आपको, कि कोई पवित्र व्यक्ति, कोई शुद्ध व्यक्ति जहां अपना कदम रखता है, जहां अपना दर्शन, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, चैतन्य महाप्रभु ने कहा दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक है ग्रंथ भागवत और दूसरा है भक्त भागवत। चैतन्य महाप्रभु, शिल प्रभुपाद या वेदव्यास मुनि का यह कहना है कि कृष्ण को समझना है तो भागवत सुने, और भागवत जो है ग्रंथ भागवत किसी भक्त भागवत के मुख से सुने।
किसी शुद्ध भक्त के मुख से, भगवान की किसी प्रिय भक्त के मुख से भागवत सुनने से हृदय में भक्ति बढ़ती है। आज इस कलयुग में कई सारे ऐसे लोग हैं जो भागवत को भक्ति के लिए नहीं, भागवत को धन के लिए, अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी प्रेमी भक्त के मुख से भागवत सुनना ये जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है, और आज यह सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। मैं कतह ऐसा नहीं करना चाहता हूं, न कहता हूं, न मानता हूं कि मैं शुद्ध भक्त हूं। मेरे जैसा पापी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा, परंतु हम जो बोलते हैं, हमारे जो शब्द हैं, ये शुद्ध भक्त के महाभागवत के हैं। ये हमारे शब्द हमारे गुरु महाराज की देन, हमारे गुरु का धन है, श्रील प्रभुपाद की ये संपत्ति है। श्रीधर स्वामी, चक्रवर्ती पाद, रूप, सनातन, इन सभी आचार्यों की लेखनी, इन सभी आचार्यों के शब्द में आपको एक संदेश वाहक की तरह, एक पोस्टमैन की तरह यहां पर लेकर आया हूं। तो इस संदेश को सुनकर हमारा हृदय शुद्ध होगा और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। आइए मूल प्रसंग की ओर अग्रसर हो। भगवान कृष्ण की द्वारिका में रुक्मिणी के द्वारा भेजा गया वह ब्राह्मण पहुंचा है। कृष्ण उस ब्राह्मण का स्वागत किए, सत्कार किए। ब्राह्मण से कहते हैं कि आप अपने धर्म का पालन ठीक से कर रहे हो ना? हे ब्राह्मण देवता, संतुष्ट होकर आपका जीवन बीत रहा है ना? आपके जीवन में कोई उद्विग्नता तो नहीं? आपके जीवन में कोई चिंता तो नहीं? क्योंकि संतुष्ट ब्राह्मण ही अपने जीवन में सुखी रह सकता है और अपने आशीर्वाद से दूसरों को सुखी कर सकता है। संतुष्ट रहे। आज भगवान कृष्ण ब्राह्मण से आगे कहते हैं, कचिद्वम कुशलम ब्रह्मन् राजतो यस्य हि प्रजा सुखं वसन्ति विषये पाल्यमाना समे प्रिय पाल्यमाना समे प्रिय। हे ब्राह्मण देवता, जिस राज्य में आप रहते हो, उस राज्य के राजा आपका और प्रजा का पालन ठीक से कर रहे हैं ना? क्योंकि राजा का धर्म है वे अपनी प्रजा को सुखी रखे। राजा का कर्तव्य है कि वे अपनी प्रजा को प्रसन्न रखे। अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए राजा को कुछ भी करना पड़े तो वह उनका धर्म है। अरे अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान रामचंद्र ने अपनी पत्नी सीता को वन में भेज दिया। बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने राजा का क्या कर्तव्य होता है अपने आचरण से सिखाया। एक राजा
प्रजा के लिए अपने जीवन को, अपने जीवन के सुख को भी त्याग सकता है। नहीं तो सीता की क्या गलती थी बताइए? सीता का कोई दोष नहीं था, कोई दोष नहीं। इसे रामायण में राम के लिए अनेकों बार करुणा शब्द का इस्तेमाल हुआ, करुणा निदानम अनेकों बार, लेकिन भारत के संतों ने कहा वास्तविक करुणामयी तो देवी सीता है। सीता जो साक्षात करुणा की मूर्ति है वो तो। हमारे गुजरात में एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं, दयाना सागर तमे कृपाना निदान छो। प्रभु आपको दया का सागर कहते हैं, कृपा का निदान कहते हैं, लोग आपको भगवान कहते हैं। आप होगे भगवान, आप होगे दया के सागर, आप होगे कृपा के निदान, लेकिन हमारे सीता की बराबरी तो कभी नहीं कर सकते। सीता की बराबरी आप नहीं कर सकते। कौन सा बड़ा काम किया आपने? रावण को मारा? सत्य कहे तो प्रभु आपने रावण को नहीं मारा, रावण की लंका में रहकर सीता ने रावण को पूर्ण रूप से मार दिया, लेकिन यश आपको मिला। और किसी एक धोबी के कहने से आपने अपनी पवित्र सती नारी पत्नी सीता को वन में भेज दिया। कितना करुण प्रसंग है भक्तों। गुप्तचरों के द्वारा एक धोबी की पत्नी कई बार गई होगी, वापस आने में देरी हो गई। जब घर पर पहुंची तो धोबी ने अपनी पत्नी को बहुत मारा और कहा कि मैं राम की तरह स्त्री लंपट थोड़ी ना हूं कि दो दो साल बाहर रहकर भी अपने घर पर रख लेगा, चली जाओ यहां से। गुप्तचरों ने यह सुना, राम को आकर कहा कि बोले इस चीज को लेकर प्रजा में उत्पात फैलेगा। रात ही रात राम ने लक्ष्मण को बुलाया, अपने हृदय पर पत्थर रखकर राम ने लक्ष्मण को कहा, लखन पहले तो वचनबद्ध कर लिया, मेरी कसम खाकर कहो कि मैं जो कहूंगा तुम्हें करना होगा। बोले अवश्य करूंगा भैया। कहा कल सुबह तुम सीता को वन में लेकर जाओ, बताना मत। वन में विचरण करने के बहाने वन में लेकर जाओ और घोर वन में ले जाकर उसे छोड़कर वापस आ जाओ। लक्ष्मण की आंखों में आंसू, भैया ये क्या कह, किसने कहा सीता को वन में छोड़ने का, मैं धड़ से मस्तक अलग कर दूंगा, ये होता कौन है कहने वाला। लेकिन वचनबद्ध थे अपनी भाभी को, कहा भाभी आज मैं तुम्हें सैर कराने के लिए लेकर जाऊं, सीता प्रसन्न है, देवर जी लेकर जा रहे हैं, बड़ी खुश हैं। सीता की तो स्वप्न में भी ये बात नहीं थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, उस समय देवी सीता सगर्भा अवस्था में थी, उनके पेट में दो दो बालक थे। लक्ष्मण सीता को लेकर गए हैं घोर वन में। अब धीरे धीरे सीता के मन में डाउट हो रहा है कि इतने घोर वन में यहां है क्या, आप मुझे यहां क्यों लाए। दोनों हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी ने कहा कि मां मुझे क्षमा करना, बड़े भाई की आज्ञा है, मेरे बड़े भाई राम ने आपका त्याग कर दिया है। विचार कीजिए भक्तों, उस समय गर्भवती नारी, गर्भ में दो संतान है, घोर वन में जहां कोई नहीं है उनका, और वहां ले जाकर लक्ष्मण जी कहते हैं राम ने आपको त्याग दिया है, मैं आपको छोड़कर वापस जा रहा हूं।
इससे भी बड़ी बात यह है भक्तों, कितना बड़ा अत्याचार उस नारी के ऊपर हुआ, लेकिन वाणी की बात तो दूर ही, एक पल के लिए मन में भी यह नहीं सोचा कि मेरे पति ने कुछ गलती की है। समझा लिया अपने मन को, दुख तो था पति से दूर होने का, लेकिन एक बार भी किसी भी व्यक्ति को यह नहीं कहा कि मेरे पति गलत है या मेरे पति ने मुझे त्याग दिया, किसी को नहीं कहा। कितनी बड़ी महानता है भक्तों, आज की होती तो कोर्ट में जाकर खड़ी रहती, कितनी बड़ी महानता। मैं ये कह रहा हूं, भगवान राम को भी ये अच्छा नहीं लगा था, राम की भी इच्छा नहीं थी, लेकिन राजा का कर्तव्य है प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए अपने स्वयं सुख को भी की भी तिलांजलि दे देते हैं। रामायणकार ने इस दृश्य को बहुत सुंदर वर्णित किया है कि जिस समाज के लिए हम और आप जीते हैं, जो समाज आज रोज सीताराम के मंदिर में जाकर राम और सीता की आरती करता है, एक दिन वही समाज सीता को वन में भेज दिया, कोई नहीं रोका सीता को। राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा को प्रसन्न रखे। केवल राजा का ही नहीं, समाज में अपने अपने क्षेत्र में जितने लीडर हैं, सभी लीडरों का कर्तव्य है हमारे आश्रित जो लोग हैं उन आश्रित लोगों का शोषण न करते हुए उनका पोषण होना चाहिए। आज तो कलयुग में शोषण की ही भावना है, कोई आश्रित हुआ नहीं कि उनका शोषण प्रारंभ किया नहीं। साथ कहता है, कहना पड़ता है कि आध्यात्मिक तत्व में भी ऐसी बातें आ चुकी हैं कि आजकल के गुरु भी अपने शिष्यों का शोषण करते हैं, उनके भजन का भक्ति का पोषण होना चाहिए, शोषण किया जाता है। राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा का पोषण करे। राजा यदि अपनी प्रजा को प्रसन्न रखे और प्रजा कोई पुण्य का कार्य करे तो प्रजा के द्वारा किए गए पुण्य का छठा हिस्सा राजा को घर बैठे अपने आप मिल जाता है। और दूसरे शब्दों में, राजा यदि अपनी प्रजा को दुखी रखे तो वह राजा मरने के बाद सीधा नरक में जाता है। इसलिए भक्तों, कर्म के अनुसार या किसी के वरिष्ठ के आदेश के अनुसार गुरु बनाया जाए तो मैं आपको हेल्प कर दूं, कृष्ण के कहने का भाव यह था। और अब ज्यादा समय न लेते हुए कृष्ण सीधे उस पॉइंट पर आ रहे हैं, यतस्त्वम आगतो दुर्गम। ये ब्राह्मण देवता अनेकों दुर्ग अनेकों किले पार करते हुए अतस्वम आगतम, आप यहां तक पहुंचे। निस्तिर ये यदि छया, आप जिस कार्य के लिए यहां पर आए हो कृपया करके आप मुझे बताओ। सर्वनो ब्रह्म गुह्यम चे किम कार्यम करवामते। पर आज जिस कार्य के लिए आप यहाँ पर आए हो आप मुझे बता दो। आपको बोलने में देरी लगेगी लेकिन कृष्ण को वह काम पूरा करने में देरी नहीं लगेगी। यदि गुह्य से गुह्य बात हो, ब्रह्म गुह्यम तम, ये ब्राह्मण देवता गुह्य बात सीक्रेट बात हो वो भी मुझे बता दो, निश्चिंत रहो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जिस कार्य के जिस काम के लिए आप यहाँ पर आए हो कृपया करके मुझे बताओ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं संप्रिष्ट सम प्रश्नो ब्राह्मण परमेष्ठिना लीला ग्रहित देहेन
तस्मै सर्वं वर्णय। एवं संप्रश्न संप्रिष्टो, भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से सम्यक रूप से कंप्लीटली परफेक्ट और पूर्ण रूप से ब्राह्मण को संतुष्ट किया और प्रश्न पूछा। ब्राह्मण निश्चिंत हुए और लीला से मनुष्य देह धारण किए हुए भगवान को उस ब्राह्मण ने सारी बात बताई कि मैं विदर्भ देश से आया हूं, राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी ने मुझे भेजा है। अब कृष्ण को तो पता भी नहीं था रुक्मिणी कौन है, नाम ही जीवन में पहली बार सुना है। बोले रुक्मिणी ने मुझे भेजा। बोले रुक्मिणी कौन? बोले विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या, और कल ही रुक्मिणी का विवाह होने वाला है महाराज। लेकिन लग रहा है कि रुक्मिणी आपको कुछ कहना चाहती है, इसलिए रुक्मिणी ने आपको पत्र भेजा है। वो ब्राह्मण रुक्मिणी का पत्र कृष्ण के हाथ में रखने लगे। कृष्ण ने वो पत्र हाथ में ले लिया और फिर ब्राह्मण के हाथ में दे दिया और कहा, एक काम करो, आप ही इस पत्र को पढ़ो। कितना सुंदर आचरण! भगवान ने सोचा कि लड़कियों के चक्कर में फंसना ठीक नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो, इसलिए किसी को बीच में साक्षी रखकर बात करना ही ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ होगा तो ये ब्राह्मण साक्षी हैं, तो ये पढ़ेंगे तो ठीक से पता चलेगा। कितना सुंदर आचरण कृष्ण ने सिखाया जीवन में, एक तो पराई लड़की और स्त्री से बात नहीं करनी चाहिए, ये सिद्धांत है। वैसे फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल भागवत और प्रभुपाद के द्वारा हम सब लोग जानते हैं, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, और उनमें से एक है नो इलिस्टेड सेक्स, अवैध संग। स्वरूप से, शरीर से स्त्री और पुरुष का, किसी पराई स्त्री और किसी पराए पुरुष का संग करना यही पाप नहीं है। किसी पराई स्त्री से बात करना, मन में उस स्त्री के बारे में गलत सोचना, उसे स्पर्श करना भी पाप है। और आज कलयुग में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सब के माध्यम से बहुत बहुत पाप हो रहे हैं, बहुत पाप हो रहे हैं। इससे उस स्त्री के जीवन में, उस पुरुष के जीवन में कभी सुख और शांति नहीं आ सकती है। कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि भाई किसी लड़की से, किसी स्त्री से बात करना पड़े किसी पुरुष को, या लड़की को, स्त्री को किसी पुरुष से, तो बीच में किसी माध्यम को रखना चाहिए प्रमाण के रूप में, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है भक्तों। शुरू शुरू में तो लगता है कि हम पवित्र हैं, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर ही कलयुग का वास है। वो पवित्र संबंध कब विषय वासनाओं में बंध जाएगा, फंस जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने मन पर भरोसा मत करें। कृष्ण, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण किसी को माध्यम रख रहे हैं, किसी को माध्यम रखना चाहिए। क्योंकि भक्तों, ये मन का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी फंसा सकता है। बड़े बड़े साधु संतों को नहीं छोड़ा, साधारण आदमी की क्या बात करें। पुराणों में कथा है, वेदव्यास मुनि जब शास्त्र को लिख रहे थे, तो वेदव्यास जी तो शास्त्र बोलते थे, गणेश जी लिखते थे, लेकिन बीच में जैमिनी नाम के ऋषि इसको एडिटिंग करते थे। वेदव्यास जी श्लोक बोले, जैमिन जी एडिटिंग करे, और गणेश जी लिख रहे थे। ये चल रहा था, ये करते करते ही 18 पुराण लिखे गए। तो जब वेदव्यास मुनि बोले जा रहे थे, उनमें से एक श्लोक बोले कि किसी भी पुरुष को पराई स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, यहां तक अपनी पत्नी और अपनी मां के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, शास्त्र का वचन।
और एक आगे कर दिया कि किसी सन्यासी को भी किसी स्त्री के साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए। वेदव्यास मुनि ने जब कहा तो एडिटिंग करने वाले जो जैमिनी ऋषि थे ना, उन्होंने कहा महाराज बाकी सब बात ठीक है लेकिन आप सन्यासियों को कहते हैं कि स्त्री के साथ नहीं। अरे सन्यासी तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रहते हैं, सन्यासियों के लिए ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब वेदव्यास जी क्या समझाए उसको, क्योंकि वो सन्यासी था। वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, वैसे भी संध्या का समय हो गया है, इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ देते हैं, कल सुबह फ्रेश मूड में हम लोग लिखेंगे। सब लोग अपने अपने घर पर चले गए। जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया में रात को 12 बजे सोने गए, 10 बजे सोए थे, रात को 12 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। जैमिनी ऋषि ने दरवाजा खोला, बाहर से असमय में बारिश हो रही थी और एक स्त्री वहां पर आई थी, भीगे हुए वस्त्र थे। स्त्री ने कहा मैं कहीं दूसरे गांव जा रही थी लेकिन अचानक बारिश हुई, महात्मा जी एक रात के लिए आप मुझे यहां पर जगह दे दीजिए। जैमिनी ऋषि ने कहा मैं सन्यासी हूं, मैं साधु हूं, स्त्रियों का संग नहीं कर रहा, तुम यहां से जाओ। स्त्री ने कहा तुम साधु हो तो दया नहीं आ रही है, साधु का तो स्वभाव है दया करने का। तब जैमिनी ऋषि ने कहा ठीक है एक काम करो, तुम कुटिया में रहो मैं बाहर रह जाता हूं। स्त्री को कुटिया में रखा, कहा अंदर से दरवाजा बंद कर देना, कोई भी खटखटाए मत खोलना, मैं भी खटखटाऊं खोलना मत। स्त्री अंदर गई सो गई, जैमिनी जी उस कुटिया के छत के नीचे, बाहर छपरा था उसके नीचे सो गए। लेकिन दरवाजा खोलते समय स्त्री के भीगे हुए वस्त्र को जो देखा था उनके मन में घूमने लगा, नींद उड़ गई महात्मा जी की। और आखिर मन बुद्धि से मन को रोकने का बड़ा प्रयास किया, बुद्धि के द्वारा नहीं रुका। जैमिनी जी खड़े हुए और दरवाजा खटखटाए रात को 2 बजे। इतिहास की सत्य घटना है। बोले दरवाजा खोलो, स्त्री खड़ा होकर कही कौन हो तुम? बोले घर का मालिक हूं, दरवाजा खोलो। बोले मैं नहीं खोलूंगी। बोले क्यों नहीं खोलेंगी? मैं मालिक हूं तो आपने ही ना कहा था मत खोलना। मैं नहीं खोलूंगी, दरवाजा नहीं खोला। जैमिनी जी पीछे गए और उस कुटिया की छत पर चढ़ गए और छप्पर फाड़ कर अंदर गिरे। दरवाजा नहीं खोला तो छत फाड़ कर आए अंदर। और अब देरी क्या करना, प्रपोज मार ही दिया। बोले देखो घुमा फिरा कर बात करना मेरा स्वभाव नहीं है, मैं सीधे बात कर रहा हूं, आप सीधे समझ जाओ कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। जैमिनी ऋषि सन्यासी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं अभी और इस समय। उस सुंदर स्त्री ने कहा देखो महात्मा जी, चलो मैं शादी कर भी लूं लेकिन मेरी एक शर्त है। तो क्या शर्त है? बोले शादी तो अग्नि के फेरे भर के होती है ना, अब यहां तो अग्नि है नहीं, तो आप घोड़ा बनो और मैं आपके ऊपर बैठूं और आप अपनी कुटिया के 7 चक्कर मुझे मराओ और फिर मैं आपसे शादी कर लूंगी। जैमिनी ने देखा कि रात को 2 बजे कौन देखने वाला है, बन गए घोड़े, बोले बैठ जाओ। जैमिनी ऋषि घोड़ा बने और वह स्त्री उनके पीठ पर बैठी और जैमिनी जी चलने लगे। एक परिक्रमा, 2, 3, 4, 5, अब इसके मन में लड्डू फूट रहे थे, बस अब अंतिम चक्कर। जैमिनी जी ऋषि ने 7वीं परिक्रमा साफ की और कहा कि अब नीचे उतरो। वह स्त्री जैसे ही कूद कर नीचे उतरी, जैमिनी जी खड़े हुए, देखा वह स्त्री नहीं वेदव्यास मुनि थे। वेदव्यास ऋषि स्त्री का रूप लेकर आए थे। बोले महात्मा जी क्या ख्याल है आपका? शाम को जो चर्चा चल रही थी,
जैमिनी जी ने कहा कि सुबह नहीं प्रभु, अभी ग्रंथ लेकर आता हूँ और अभी हम लिख देते हैं कि सन्यासी को भी स्त्री से दूर रहना चाहिए। दारू भी प्रकृति है, मुने रूपी मन। अब तो ये ऐसी चीज है जो बड़े बड़े मुनियों की क्या बात की जाए, किसी ने किसी को नहीं छोड़ा इस शक्ति ने। अतः भगवान कृष्ण अपने जीवन में आचरण से सिखा रहे हैं। इसलिए कृष्ण ने ब्राह्मण को ही कहा कि आप ये पत्र पढ़िए। ब्राह्मण ने पत्र खोला, पत्र में 7 श्लोक लिखे हुए थे। रुक्मिणी ने अपनी सारी बात, रुक्मिणी संस्कृत जानती थी, 7 श्लोक में रुक्मिणी ने अपना पत्र लिखा था। जो रुक्मिणी ने पत्र लिखा वह एज इट इज, जैसे भगवत गीता एज इट इज है ना, ऐसे रुक्मिणी का पत्र भी एज इट इज भागवत में रखा गया है। और वैसे तो ब्राह्मण के हाथ में पत्र है, लेकिन सुखदेव जी डायरेक्ट रिले कर रहे हैं, बोले रुक्मिणी ही बोल रही हैं। इसलिए सुखदेव जी ने कहा श्री रुक्मिणी उवाच। आइए रुक्मिणी का पत्र प्रारंभ हो रहा है, कृष्ण से पढ़ रहे हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुन दर्शुणवतां ते निर्वेश कर्ण विहरे हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशतिचि तम पत्रपम में। मेरे जीवन के अनेकों प्रिय श्लोक में से यह एक श्लोक है, रुक्मिणी का पत्र और उस पत्र का प्रथम श्लोक। श्रुत्वा गुणान भुवन सुन दर्शुणवतां ते निर्वेश कर्ण विहरे हरतोंगतापम। बहुत सुंदर भक्तों, हो सके तो भागवत के इन श्लोकों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि भक्तों ये जो रुक्मिणी के द्वारा लिखा गया पत्र है, हमें भी भगवान को इस प्रकार से पत्र लिखना चाहिए। हमें भी भगवान को जैसे रुक्मिणी ने निवेदन किया है, इस पत्र में रुक्मिणी का निवेदन है, ऐसे हमें भी भगवान को निवेदन करना चाहिए, उनको कुछ अर्ज करनी चाहिए। ये निवेदन करना ये भी एक बहुत बड़ी भक्ति है, ये भी भगवान कृष्ण को बुलाने के बराबर है। और आएंगे रुक्मिणी का बस ये 7 श्लोक, ये पत्र पढ़ लेने दो और फिर कृष्ण की लीला देखो आप, अद्भुत लीला। लेकिन पत्र पहले पढ़े हम। वैसे ये 7 श्लोक के पत्र में एक श्लोक में एक दिन की कथा हो सकती है, केवल रुक्मिणी के पत्र में ही 7 दिन की सप्ताह हो सकती है। बहुत सुंदर गूढ़ अर्थ है इस श्लोकों के। श्रुत्वा गुणान भुवन सुन दर्शुणवतां ते। जब पत्र पढ़ना शुरू किया और पत्र में बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हुई थी, कृष्ण मैं आपसे प्रेम करती हूं, रुक्मिणी ने लिखा था, कृष्ण मैं आपसे दिलो जान से चाहती हूं, आपके बिना जी नहीं सकती, तो समय ही कृष्ण के मन में प्रश्न हुआ कि जिस लड़की को, जिस स्त्री को मैंने कभी देखा नहीं, जिस लड़की ने मुझे कभी देखा नहीं, न कभी बस स्टॉप पर मिले, न कभी फेसबुक में देखा, न कभी व्हाट्सएप में, अरे भाई किसी से प्रेम करने के लिए कोई बेस तो होना चाहिए, कोई आधार तो होना चाहिए, बिना आधार के प्रेम कैसे हो सकता है।
बताइए, एक बाप अपने घर पर आकर बेटे को कहे कि बेटा मैं तुम्हारे लिए लड़की देखकर आया हूँ, उनके साथ मंगनी हो चुकी है, तुम उस लड़की से प्रेम करना शुरू कर दो, तब बेटा कहेगा ना पिताजी उसका एड्रेस दीजिए मैं मिलकर आता हूँ। बोले नहीं तुम प्रेम करो यार। पिताजी नाम तो बताइए। अरे प्रेम करो। पिताजी फोटो। प्रेम करो। पिताजी नंबर। तुम प्रेम करो बताओ। न फोटो है न नंबर है न एड्रेस है न लड़की सामने है तो क्या किसी हवा से प्रेम करे? प्रेम करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो कृष्ण और रुक्मिणी आज तक न तो कभी मिले थे न किसी को देखे थे न कभी बातचीत हुई थी, और रुक्मिणी बार बार इस पत्र में लिखती हैं मैं तुम्हें चाहती हूँ, दिलो जान से प्रेम करती हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। कृष्ण के मन में प्रथम प्रश्न ये हुआ कि रुक्मिणी तुम न कभी मुझसे मिली न हमारी बातचीत हुई न मुझे देखा, तुम्हारा मुझसे इतना प्रेम कैसे हो गया? तब रुक्मिणी प्रथम श्लोक में कहती है श्रुत्वा गुणान भुवन सुन दर्शुणवताम ते, कहती है कृष्ण मैंने आपको कभी देखा नहीं है लेकिन आपके बारे में श्रुत्वा बहुत बहुत कथाएं सुनी है और बार बार आपकी कथा सुनकर आज मेरा मन पूर्ण रूप से आप में लग चुका है। देखा नहीं है लेकिन सुना है। श्लोक की व्याख्या यदि हम थोड़ी सी गहराई से करें तो अन्वयी के अनुसार, हे भुवन सुंदर, रुक्मिणी कृष्ण को संबोधन देती है। आज कोई प्रिया प्रियतम को पत्र लिखते हैं तो कहते ना कि तुम हे मेरी चंद्रमुखी, नाम तो कुछ और होता है लेकिन, और फिर वो स्केच पेन, एक अक्षर जो है रेड स्केच पेन से होता है, दूसरा ग्रीन से, तीसरा ब्लू से, मैंने देखा है कई लोगों को ऐसे अलग अलग स्केच पेन से, और फिर संबोधन होता है मेरी चंद्रमुखी। फिर मैंने कहा था ना आपको जब लेटर लिखते हैं तब चंद्रमुखी, शादी हो जाए तो सूर्यमुखी और शादी के बाद ज्वालामुखी, कब फटे इसका कोई भरोसा नहीं, सब का अनुभव है तो सब अनुभवी बात होती है ना तो बहुत आनंद आता है। तो संबोधन देते हुए रुक्मिणी ने कहा हे भुवन सुंदर, भुवन सुंदर माने इसके दो अर्थ, भुवनेशु सुंदर, भुवनेशु माने भुवन माने ब्रह्मांड जो है, इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर यदि कोई है तो कृष्ण आप हो, भुवन सुंदर। आज के मिस यूनिवर्स मिस मॉरिशियस ये कृष्ण के सामने कीड़े मकोड़े हैं। भुवन सुंदर, पूरे भुवन में यदि कोई सुंदर है तो वो है कृष्ण, इसलिए कवियों ने शास्त्रों ने कृष्ण को सूर सुंदर कहा, सूर सुराणाम सुंदर, देवताओं से भी सुंदर है इसलिए कृष्ण को सूर सुंदर कहते हैं, अतः कृष्ण सुंदर बाकी सब छछुंदर। कृष्ण के सामने क्या है? अरे कृष्ण की छोड़िए, इस संसार में मनुष्य से कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ देवता है, मनुष्य क्या है देवताओं के सामने? कीड़े मकोड़े, देवताओं को कभी पसीना नहीं होता, हम तो सुबह जाते शाम को आते हैं पसीना बदबू आती, देवताओं के शरीर से कभी गंध नहीं आती, बिना परफ्यूम के सुगंध ही निकलती रहती है, न पसीना होता है न बदबू आती, देवता कभी बूढ़े नहीं होते। तो मनुष्य से कोटि कोटि गुना सुंदर देवता, देवता जब नीचे देखते हुए ना सोचते हैं ये मिस मॉरिशियस मिस यूनिवर्स ये सब कीड़े मकोड़े कहां भटक रहे हैं, क्या गिनती है उन्हें? अच्छा आपके घर पे चींटियां होती होगी ना, चींटियां होती है मॉरिशियस में,
चींटियों के समाज में भी फैशन शो होता ही होगा ना, उसमें भी मिस चींटी मिस्टर मकोड़ा उसमें भी होता ही होगा। चींटी के समाज में कितनी भी अच्छी मिस चींटी हो या मिस्टर मकोड़ा हो, लेकिन पुरुष के सामने मनुष्य के सामने क्या गिनती है। वैसे मनुष्य में कोई कितना भी सुंदर हो तो देवताओं के सामने क्या है, कुछ नहीं। मनुष्य से कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ देवता है, और देवताओं से भी सुराणाम सुंदरम सूर सुंदर भगवान कृष्ण है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, भुवनेशु सुंदर, इस संसार में यदि कोई सुंदर है तो एकमात्र श्याम सुंदर, कभी बूढ़े नहीं होते, उनकी जवानी है, उनकी सुंदरता निरंतर बनी रहती है। वे जहां जहां जाते हैं अपनी सुंदरता से सबको मोहित कर देते हैं। मथुरा गए तो मथुरा की महिषिया अपने सखियों को कहती है, अइल राम श्याम सखी, भोजपुरी में है, मथुरा नगरिया में रही तंत राख लेती मन की अटरिया, कौन बारी तप केली गोकुला के बाला, कौन बारी तप केली गोकुला के बाला, बंदले सनहिया में बाके नंद लाला, बंदले सनहिया में बाके नंद लाला। बहुत सुंदर भजन। मथुरा की सखिया महिषिया अपनी सखियों को कहती हैं कि ये श्याम सुंदर आज हमारी मथुरा में आए हैं। सखी, गोकुल में रहने वाली गोपियों ने क्या तप किया होगा, ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जिससे प्यारे श्याम सुंदर को अपने अपना बना लिया। क्या कहूं सखी, मेरे भाग्य की रेखा बहुत छोटी है, यदि मेरा भाग्य होता तो इस श्याम सुंदर को मैं मेरे भुजाओं में धारण कर लेती, मैं मेरे अखबार में भर लेती। अत्यंत सुंदरता है कृष्ण की। तो इस प्रकार संबोधन देकर कहती है, हे भुवन सुंदर, ते गुणान शुण्वताम, कृष्ण आपके जो गुण है, कृष्ण में बहुत सारे गुण है, गुणों की खान है भक्तों, ऐसा कोई गुण नहीं जो भगवान कृष्ण में ना हो। तो हे कृष्ण, आपकी गुण रूप लीला की जो कथा सुनता है, निर्वेश कर्ण विहरे हर तो अंगतापम, कृष्ण आपकी कथा जो सुनता है, उस आपकी कथा सुनने वाले के जीवन का जितना भी ताप है, जितना भी दुख है, वो दूर हो जाता है। कृष्ण आपकी कथा श्रोताओं के सारे ताप को दुख को हर लेती है। निर्वेश कर्ण विहरे हर लेती है अंग तापम, अंग में शरीर में जितना भी ताप है दुख है, आपकी कथा उसे हर लेती है और कथा सुनने वाले को सुखी बना देती है। रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थ लाभम, कृष्ण आपका ये जो रूप है ना, यदि संसार में किसी भी व्यक्ति की दृष्टि आपके रूप पर चली जाए
आपका रूप कृष्ण, आपका रूप संसार में जिनको आंखें मिली हैं उन आंखों वालों के लिए सबसे उत्तम दृश्य है। ये आंखों को सुखी करना है तो सबसे श्रेष्ठ दृश्य क्या है? भगवान कृष्ण का दर्शन। भगवान का दर्शन होने से आंखें तृप्त होती हैं, आंखें सुखमय प्रसन्न बन जाती हैं। और इसीलिए अवधवासियों ने जब भगवान रामचंद्र को देखा तो रामायणकार ने लिख दिया, गोस्वामी जी लिखते हैं, जन्म रंग कजिमे पारस पावा, जन्म रंग कजिमे पारस पावा, अंधहिं लोचन लाभ सुहावा, अंधहिं लोचन लाभ सुहावा। हे प्रभु, आपको देखकर, आपको देखने वाला व्यक्ति इतना प्रसन्न होता है जैसे जन्म रंग जिमी पारस पावा। जन्म से कोई दरिद्र है, बहुत गरीब है, खाने रहने पीने के वांदे हैं। जन्म से रंग दरिद्र गरीब आदमी को अचानक पारस मणि मिल जाए, स्पर्श मणि, जानते हैं? किसी दरिद्र आदमी को पारस मणि मिलने से जितना सुख मिलता है उतना ही सुख प्रभु आपको देखने से मिलता है। अंधहिं लोचन लाभ सुहावा। और जैसे जन्म से कोई अंधा हो, आंख विहीन हो, जन्म से कोई सुरदास हो और अचानक कोई आंखें डोनेट करे और किसी अंधे, जन्म से अंधे व्यक्ति को अचानक आंख मिल जाए और आंख मिलने पर उस आदमी को जितना सुख होता है उतना ही सुख भगवान कृष्ण को देखने से होता है। इसलिए रूपम दृशाम दर्शिमता मखिलार्थ लाभम, त्वयि अच्युता विशति ची तम पत्रपम। कृष्ण आपके गुण रूप लीला, आपकी कथा ही कुछ ऐसी है, आपका दर्शन ही कुछ ऐसा है कि यदि किसी की दृष्टि, यदि किसी ने आपकी कथा सुन ली तो वह कथा सुनने वाला व्यक्ति आपको प्राप्त किए बिना रह नहीं सकता है। कृष्ण आपकी कथा सुनकर आज मेरा मन निर्लज्ज होकर, बहुत सुंदर यहां पर लिखा है, अपत्र चित्तम, मेरा मन निर्लज्ज होकर आपकी ओर दौड़ा चला रहा है। भक्त, आज वर्तमान में इस दुनिया में सभी लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा रोग है, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। बहुत बड़ा रोग यह है कि लोग क्या कहेंगे, लज्जा आती है। कई बार हम कहते हैं आप माला साथ में रखिए, तो माला नहीं रखते, काउंटर रखते हैं। माला हाथ में रखने में लज्जा आती है, सिगरेट हाथ में रखने में कोई लज्जा नहीं, दारू की बोतल हाथ में हो तो अपने आप को जेन्युइन महसूस करता है, पर माला हाथ में रखने में लज्जा आती है। तो भजन करने में आदमी को लज्जा तब तक आती है जब तक भगवान की कथा नहीं सुन लेता है। श्रुत्वा गुणान, एक बार भी कृष्ण, किसी ने आपके गुण को सुन लिया, आपकी कथा को सुन लिया, फिर वह चाहकर भी अपने मन को रोक नहीं सकता है।
नहीं रोक सकता। यदि उसके जीवन में कितनी भी बाधा हो, वे सारे बंधन को तोड़कर फोड़कर वो आपके पास आए बिना रह ही नहीं सकता। अपत्र तापम, अपत्र निर्लज्ज होकर वह मन आपकी ओर दौड़ा चला आएगा। आज भक्तों, आज हमारी स्थिति कुछ ऐसी है कि ये मन चाहकर भी भगवान में नहीं लगता। और गोपियों की स्थिति कैसी थी? गोपियां भगवान से प्रार्थना करती थी, प्रभु कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि कुछ समय के लिए हम आपको मन से भूल सके, क्योंकि आप मन में हो, घर का काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, कृपा कीजिए कि हम आपको भूल सके। गोपियां भूलना चाहती हैं और हम लोग याद करना चाहते हैं। कब वो स्थिति आएगी? यदि हम चाहते हैं कि हमारा मन निर्लज्ज होकर भगवान की ओर दौड़े, तो एकमात्र साधन श्रुत्वा गुणान, भगवान के गुणों को सुनना चाहिए, जिसे रुक्मिणी ने सुना। बार बार कृष्ण कथा को सुनते 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 मन भगवान में लग जाएगा, और फिर कितने भी बंधन हो गए, ये सारे बंधन को तोड़कर मन भगवान की ओर चला ही जाएगा। इसलिए अपने मन को जबरदस्ती खींच कर मत लाओ, अपने मन को कृष्ण कथा सुनाओ, कृष्ण कथा सुनाओ। कृष्ण कथा सुनते 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 यह मन कृष्ण में निर्लज्ज होकर चला जाएगा। श्लोक में रुक्मिणी ने कहा कि आपकी कथा सुनकर कृष्ण, मेरा मन निर्लज्ज होकर आपकी ओर चला आ रहा है। मान लो कृष्ण ने मोबाइल किया होगा, फोन करके पूछा होगा। ये शिपा श्रीधर स्वामी भावार दीपिका में लिखते हैं, कुल कन्या नाम इदम अति धार्ष्टयम इति। रुक्मिणी, रुक्मिणी किसी कुलवती कन्या के लिए पराये पुरुष को इस प्रकार पत्र लिखना, ये गर्हित बात है, ये अच्छी बात नहीं है। रुक्मिणी, किसी अनजान व्यक्ति को, किसी पराये पुरुष को इस प्रकार से पत्र लिख देना, किसी अच्छे कुल की कन्या के लिए, किसी अच्छे परिवार सुसंस्कृत कन्या के लिए, ये ठीक बात नहीं है, ये तो घृष्टता है। रुक्मिणी, रुक्मिणी ने बहुत सुंदर अगले श्लोक में अपने पत्र में लिखा, कृष्ण कृष्ण मुझ पर विश्वास कीजिए, ये मेरी घृष्टता नहीं है, मेरी घृष्टता नहीं, मैंने कोई गलती नहीं, आप अपने गुणों के ऊपर विचार तो कीजिए। भाव यह है, कृष्ण इस दुनिया में आपके गुणों के ऊपर किसी की दृष्टि चली जाए तो वह स्त्री आपको पति बनाए बिना जी ही नहीं सकती। कृष्ण, आपके बिना लोग इसलिए जी रहे हैं क्योंकि आपके गुणों की ओर किसी की दृष्टि नहीं है। एक बार रुक्मिणी कहती है, क्वात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण दाम विरात्म तुल्यम धीरा पतिम कुलवती नवृणीत कन्या काले नरसिंह नरलो कमनो विरामम। हे मुकुंद, अब देखिए दूसरा संबोधन, मुकुंद कुंडकली के समान जिसके सुंदर दांत है, मुकुंद जिसके सुंदर काले घने घुंघराले बाल हैं, जो दूसरों को मुक्ति देने में समर्थ है, ऐसे मुकुंद कात्वा इस संसार में कौन है जिसकी एक बार भी आपके ऊपर दृष्टि चली गई, किसी ने आपके विद्या को समझ लिया? यदि कोई आपके विद्या को समझ लिया कि कृष्ण के पास कितनी विद्या है, क्या बताए भक्तों विद्या के बारे में,
महाभारत की रणभूमि में दोनों सेना आमने सामने खड़ी है। अर्जुन बख्तर पहनकर सभी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर रणभूमि में आया और अपने विपक्ष को देखकर अपने ही मामा चाचा ताऊ भाई बंधु गुरु दादा ये सबको देखकर मोहित हो गया, पसीना छूट गया, मुंह सूख गया और गांडीव छोड़कर बैठ गया। कृष्ण जीवन भर तक हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का फाइनल निर्णय गुरु नत्वाई महानुभावान शेम भोक्तुम बेक्ष मी अपि हलोके अत्वार्थ कामास्त गुरु निहैव बुंजीय भोगान रुधिर प्रदिक दान। मैं अपने हाथों से गुरु को मारूं, अपने पितामह को मारूं, कृष्ण ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। फाइनल निर्णय अर्जुन ने दे दिया युद्ध नहीं करूंगा। और उस समय भगवान कृष्ण ने 45 मिनट की भगवद गीता सुनाई, 700 श्लोक, 45 मिनट का प्रवचन दिया और जो अर्जुन युद्ध छोड़कर भाग रहा था 45 मिनट का प्रवचन सुनाकर क्या चक्कर चलाया, वही अर्जुन हाथ में गांडीव लेकर खड़ा हुआ। बताइए कृष्ण पहले किसको उड़ाना है? यह है विद्या। हम लोग तो प्रवचन कर करके थक जाते हैं, गला सूख जाता है, लेकिन विद्या तो देखिए कृष्ण की। कृष्ण यदि कोई आपकी विद्या के ऊपर दृष्टि चली जाए, कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप, यदि आपके कुल को कोई देखे, विवाह करते समय कुल देखा जाता है ना, कृष्ण आपके कुल के ऊपर, किस कुल में आपका जन्म हुआ है? जिस कुल में अत्रि ऋषि का जन्म है, अत्रि अनसुया कथा जानते ना, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना पुत्र बना लिया, किस कुल में कृष्ण का जन्म हुआ भक्तों? अत्रि अनसुया कितनी पवित्र गृहस्थी थी इनकी, अत्रि भगवान का भजन करे, अत्रि माने तीनों गुणों से जो परे हैं वो है अत्रि, और अनसुया जिसमें किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं असुया नहीं वो है अनसुया। अत्रि अनसुया दोनों पतिव्रता नारी, पति पत्नी सुंदर गृहस्थी। एक बार नारद मुनि वैकुंठ गए, लक्ष्मी जी को चरण दबाते हुए देखकर नारद जी ने कहा क्या चरण दबा रही हो, सेवा करना सीखो अनसुया जी से, बस जब भी आते तब चरण के पास बैठी रहती हो। अनसुया जिनकी ख्याति तीनों लोक में अमर हो रही है कितनी सुंदर सेवा कर रही है, ख्याति विख्यात हो रही है, सीखो अनसुया से कुछ। वही नारद पार्वती के पास गए, वही नारद ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती के पास गए, ये तीनों सखियां थी, तीनों ने फोन कॉन्फ्रेंस में लगाया और कहा सखी हमारे होते हुए पृथ्वी लोक पर किसी का नाम हो जाए ये हम कैसे सहन कर पाए। हाँ सखी बात तो ठीक है, हम लोग रात दिन अपने पति की सेवा करी और नाम अनसुया का हो रहा ठीक नहीं। बोले क्या करें? बोले काम करें, अपने अपने पतियों को भेजते हैं उनका पातिवृत्य धर्म तुड़वाने के लिए। बोले हाँ मेरा तो सोता ही रहता है, लक्ष्मी जी ने कहा गर्भदक्ष सागर में जाओ तो गर्भदक्षाई, कारण सागर में जाओ तो कारणदक्षाई, क्षीर सागर में जाओ तो क्षीरदक्षाई, शाही 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 सोने के अलावा इसको कुछ काम नहीं है, भेजो इसको। पार्वती ने कहा मेरा भी ध्यान में बैठा रहता है। ब्रह्मा की पत्नी ने कहा मेरा बस वेद हाथ में लेकर पढ़ते रहता है, भेजो तीनों को। भले सृष्टि के ईश्वर लेकिन पत्नी के सामने किसकी चलती है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पृथ्वी पर आए, तीनों एक ही रोग के शिकार, तीनों की पत्नियों ने भेजा था, लेकिन सोचा परीक्षा क्या लेंगे, तीनों ब्राह्मण बन गए, अत्रि ऋषि घर पर नहीं अनसुया देवी घर पर भिक्षान देही, अनसुया भिक्षा लेकर आई है तो परीक्षा लेने आए थे, कहा निर्वस्त्र होकर भिक्षा दोगी तो हम लेंगे, परीक्षा थी। अनसुया यदि निर्वस्त्र होकर भिक्षा दे तो पतिव्रता धर्म टूट जाए और भिक्षा न दे तो गृहस्थी धर्म टूट जाए, धर्म संकट में आ गई, अब क्या करें? लेकिन अनसुया तो पतिव्रता नारी, कहा कि यदि वास्तव में मैंने मेरे पति की सेवा की है और स्वप्न में भी पर पुरुष को नहीं देखा तो ये तीनों ब्राह्मण एक एक दिन के बालक बन जाए,
इतना बोलते ही ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक दिन के बालक करके रोने लगे। अब एक दिन के बालक के सामने निर्वस्त्र होकर भिक्षा देना ये कोई पतिव्रता धर्म नहीं टूटता है, तो भिक्षा दे दी, धर्म पूरा किया। लेकिन प्रश्न हुआ वे बालकों का करे क्या, तीन पालने मंगाए और तीनों को सुला दिया। एक दिन दो दिन दस दिन बीता, पार्वती ने लक्ष्मी जी को फोन किया, अपने गुजराती माँ तुम्हारा भाई जी घरे नहीं आया, हिंदी आवड़ा हूं कि तरह अपने खबर ना, कहते हैं जी हमारे वो घर पर नहीं आए, क्या हुआ होगा, एक्सीडेंट हुआ, बम फूटा। बोले हाँ मेरा भी घर पे नहीं आया। तब तक ब्रह्माणी का फोन, बोले हमारे भी घर पे नहीं आए, अब क्या करें, चलो ढूंढने चलते हैं। तीनों की पत्नियां ढूंढते ढूंढते अनसुया के आश्रम में आई, बोले आपने हमारे पति को देखा। अनसुया ने कहा मैंने तो नहीं देखा। बोले नहीं हमने आपके वहां भेजा था, हमारे वहां ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं आए। बोले नहीं परीक्षा देने भेजा था। बोले हाँ ब्राह्मण बनकर कोई आया था। बोले हाँ वही हमारे पति है। बोले कहाँ है हमारे पति, तीनों पलने में सो रहे, ले लो। तीनों गई, लक्ष्मी जी ने अपने दस दिन के पति को हाथ में गोद में ले लिया, छोटा सा तो सुदर्शन चक्र चल रहा था, छोटा सा छोटी सी गदा किचन में होती ना, गदा लेकर ऐसे था, चार हाथ तो था भगवान विष्णु का, छोटा सा कमल, छोटा सा शंख ढूंढ रहा था ना कल समुद्र के तट पे, छोटा सा शंख। दस दिन के विष्णु को गोद में लिया, पार्वती गई छोटे से शिव जी को गोद में ले लिया, गले में छोटा सा सांप था, सोच रहा हूं कितना सुंदर रूप होगा भगवान का। और ब्रह्माणी गई तो ब्रह्मा को गोद में, छोटी सी किताब थी वो गीता आती ना छोटी सी गुटका, ले लिया। लेकिन तीनों परेशान, माता जी आपने हमारे पतियों का क्या हाल कर दिया, अब हमारे पतियों के साथ हम व्यवहार कैसे करेगी, माता जी आप हमें क्षमा कीजिए, अनसुया जी आपके पतिव्रता धर्म के सामने हम हार गई हैं, लेकिन हमारे पतियों को ओरिजिनल रूप में वापस ला दीजिए। अनसुया जी ने कहा कि यदि वास्तव में मैंने पतिव्रता धर्म निभाया है, स्वप्न में भी पर पुरुष से मैंने व्यवहार नहीं किया, तो ये तीनों अपने अपने निज स्वरूप में आ जाए। इतना कहते ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पत्नियों के गोद से कूद गए, खड़े रह गए। यह है गृहस्थी भक्तों, इस कुल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना बेटा बना दिया है। अत्रि ऋषि का कुल, इस कुल में पुरुरवा महाराज हुए, उर्वशी जैसी अप्सरा मोहित हो गई इस राजा के ऊपर, मैं शादी करूंगी पुरुरवा के साथ। इसी कुल में नहुष महाराज हुए, ययाति महाराज हुए, राजा दुष्यंत, क्या प्रभाव था दुष्यंत का। अब मेरे पास समय तो है नहीं, तो ये सब की कथाएं बहुत सुंदर है, क्योंकि रुक्मिणी ने कुल याद किया है, कृष्ण कुल क्या है आपका, विवाह करते हुए कुल देखना चाहिए, किस कुल में इनका जन्म हुआ है। राजा दुष्यंत, राजा रंती देव, शिवी महाराज, युधिष्ठिर, वसुदेव के पुत्र के रूप में आपका जन्म है। तो कृष्ण क्वात्वा मुकुंद महति कुलशील रूप, हे मुकुंद ऐसी स्त्री है, कात्वा माने कौन, के मुच्य न्याय से कौन ऐसी है जो आपके कुल को समझ ले, आपके शील को समझ ले, शील माने आचरण, कितना सुंदर भगवान कृष्ण का आचरण। युधिष्ठिर महाराज के पास जाए तो राजसूय सभा में नौकर बन गए, अतिथियों के झूठे पत्थर और जूते उठाने की सेवा कृष्ण कर रहे थे, कितना सुंदर शील है। यद्यपि कृष्ण ने बहुत छोटा काम किया, लेकिन भक्तों गरुड़ कितना भी नीचे आ जाए, गरुड़ तो गरुड़ ही रहता है, और कौवा कितना भी ऊपर चला जाए,
कौवा कौवा होता है। ईश्वर भगवान का ये शील देखिए, और वास्तविक शील तो दशम स्कंद में दिखाई दिया जब भृगु ऋषि तीनों देवता की परीक्षा लेने गए सरस्वती नदी के तट पर। बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि भगवान कौन। अब ऋषियों के समाज में यह प्रश्न हो मनुष्य के समाज में तो स्वाभाविक है भाई। भगवान कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश में से भगवान कौन, भृगु ऋषि को भेजा आप जाओ और परीक्षा करके आओ। बोले मुझे परीक्षा क्या लेनी है, तीनों को क्रोध दिलाना है, जो क्रोधी हो गया वो भगवान नहीं हो सकता। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए, कई वर्षों के बाद, वैसे भृगु ब्रह्मा के बेटे हैं, परीक्षा लेने गए थे, प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी को मन ही मन में क्रोध आ गया, साला कैसा लड़का है, इतने साल के बाद आया, प्रणाम करना भी नहीं जानता, इतना भी नहीं सीखा। बोले नहीं, लेकिन मन ही मन क्रोध आ गया। भृगु ऋषि समझ गए, बोले ये भगवान नहीं हो सकते, क्रोध हो गया। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेकर भृगुमुनि कैलाश में शिव जी की परीक्षा लेने गए। रिलेशन में शिव और भृगु दोनों भाई हैं, दोनों ब्रह्मा के बेटे हैं। शिव जी अनेक ऋषि मुनियों के बीच में पार्वती को गोद में बिठाकर कथा कर रहे थे। उसी समय भृगु ऋषि वहां पर पहुंचे, अपने भाई को देखकर शिव जी खड़े हो गए, भैया करके आगे आलिंगन करने गए, ये तो परीक्षा लेने गए थे। बोले वहीं पर रुक जा, छूना मत मुझे, कभी स्नान किया है भैया कह के आ रहा है, कभी सलून में जाकर बाल कटाया, लोग शरीर पर पाउडर लगाते, शमशान की भस्म लगाता है, भूत प्रेतों के साथ उठता बैठता है। अरे भागवत कथा सुनो सुनाओ, पत्नी को गोद में लेकर बैठने की क्या जरूरत, परीक्षा थी, ऐसे कोई अपराध नहीं था, परीक्षा थी। लेकिन सुनकर शिव जी का पारा चढ़ गया, शिव जी को बड़ा क्रोध हुआ, त्रिशूल कहाँ है मेरा, त्रिशूल घुसा दूंगा उसके भाई, वो तो क्या हो गया मेरा अपमान। शिव जी त्रिशूल ढूंढने लगे, पार्वती आई का पति देव, आखिर अपना भाई है, छोड़ दीजिए, खून खराबा ठीक नहीं। पार्वती ने शांत किया, लेकिन परीक्षा तो साफ हो ही गई सबके बीच में। अब भृगुमुनि गए वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास, अपने एग्जाम का पेपर और कड़ा कर दिया, ब्रह्मा जी का मन से अपराध, शिव जी का वाणी से अपराध, और अब भगवान विष्णु का शरीर से अपराध। भगवान विष्णु शेषशय्या पर सो रहे थे, भृगुमुनि सीधे गए और जोर से भगवान विष्णु की छाती में लात मार दिए। आलसी गई के सोने के अलावा कुछ काम है कि नहीं, पृथ्वी में महाप्रभु का अवतार लेकर कहते हो जीव जागो गोरा चांद बोले, सबको जगाते हो और तुम यहाँ सो जाते हो, देखो तो सही लोग क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितने दुखी हैं, जीव को पैदा करके बस यही सोने का काम। परीक्षा थी भक्तों, भृगु तो भृगु है, महात्मा भक्त है, परीक्षा लेने आए थे, जोर से छाती में लात मार दिया। भगवान विष्णु खड़े हो गए, भृगु ऋषि के चरणों में गिर गए, भृगु ऋषि को आसन पर बिठाए और भगवान भृगु ऋषि के चरण को सहलाने लगे। कहा भृगु मुनि मुझे क्षमा कीजिएगा, यदि मुझे पहले से पता होता कि आप आने वाले हो तो आपके आने की तैयारी करता, मैं आपका स्वागत करता, क्षमा कर दीजिए मुझे पता नहीं था, मेरी छाती वज्र से भी कठोर है, यदि आपके चरणों में चोट आ गई तो मेरी घृष्टता को माफ कर दीजिएगा। इस प्रकार से जब भगवान ने कहा, भृगु ऋषि की आंखों में आंसू आ गया। गुरु महाराज कहते हैं कि ये एग्जाम का पेपर शिव जी के वहां दिया होता तो भगवान को जो लात मारी भृगु ऋषि ने, ये लात शिव जी को मारी होती ना तो भृगु ऋषि की लाश सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गई कि भाई गए थे एग्जाम देने, लाश बनकर वापस आए थे। लेकिन धन्य है भगवान शिव, धन्य है भगवान विष्णु। कितना सुंदर शील है, यहां पर रुक्मिणी याद कर रही है भगवान का शील। सारा काम कृष्ण करते हैं लेकिन श्रेय अपने भक्तों को देते हैं।
गीता में अर्जुन को कहा, अर्जुन तू बेटा युद्ध नहीं करना है, तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अरे तुझे वैसे भी युद्ध नहीं करना है, देख ले मैंने सबको मार डाला है। विराट स्वरूप दिखाकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, देख अर्जुन ये द्रोण, ये भीष्म, ये कर्ण, ये सारे योद्धा काल के गाल में मेरे मुख में कैसे फंसे हुए हैं। अर्जुन मेरे सबको मार दिया है, तुम्हें तो मात्र यश लेना है, यश लभस्व। किसने मारा? कृष्ण ने मारा, लेकिन यश अर्जुन को दिया। ये है भगवान का शील, और हम लोग कुछ नहीं करते, करते हैं और कोई, और यश हम लोग ले लेते हैं, ये सब मैंने ही किया है। रुक्मिणी कहती है, कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूप, जिसने आपका कुल देख लिया, जिसने आपका शील समझ लिया, जिसने आपके रूप को समझ लिया, जिसने आपकी विद्या को समझ लिया, विद्या वयो द्रविण दाम अभिरात्म तुल्यम, जिसने आपकी उम्र को समझ लिया कि कृष्ण की उम्र कभी बीतती ही नहीं है, आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, वो तो नित्य नवीन बने रहते हैं, जिसने आपके धाम को समझ लिया आप जिस धाम में रहते हो उसका कभी प्रलय नहीं होता, वह धाम स्वतः सुखमय है, अपने आप में प्रसन्न है। तो कृष्ण जो आपके कुल को, रूप को, विद्या को, धाम को ये सब समझ लिया, वो स्त्री व नारी कैसे आपको प्राप्त किए बिना रह सकती है। धीरा पतिम कुलवती नवृणीत कन्या, इस दुनिया में ऐसी कौन सी कन्या है कृष्ण जिसने आपके कुल, गुण, रूप, विद्या, वय, धाम इत्यादि को समझ लिया और आपके साथ विवाह किए बिना रह सके। भाव यही है, कृष्ण मैंने मेरी कलम को बहुत बार छोड़ा, अपने आप को बहुत रोका, परंतु कृष्ण जब मेरी दृष्टि आपके गुण रूप लीला पे गई तो रोकने पर भी कलम नहीं रुकी, ये मेरी घृष्टता नहीं। कृष्ण ने कहा था ना, ये तो घृष्टता है कृष्ण, ये मेरी घृष्टता नहीं, आपके गुणों का प्रभाव है। कौन है जो आपके गुणों को सुनकर रह सकती है? इस प्रकार देवी रुक्मिणी अपने पत्र में दो श्लोक लिखी, पांच श्लोक और बाकी हैं। कल हम ये पांच श्लोक सुनेंगे और फिर देखेंगे भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेने जाएंगे, रुक्मिणी कृष्ण का विवाह होगा और हैप्पी एंडिंग होकर करके इस भागवत की पूर्णाहुति की जाएगी। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।